हाय बच्चा लोग, सो मैं हूं क्वासैन अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी बी मतलब बायोलॉजी। तो पिछले लेक्चर की बात अगर हम लोग करें तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करी थी और उसमें कैसे शॉर्ट ट्रिक से उसको याद करा जाए तो ये भी मैंने वहां पर वेल एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, सो आज हम लोगों को जो बात करनी है वो बात करनी है पॉलन ग्रेन के बारे में। किसके बारे में? पॉलन ग्रेन के बारे में। भैया मस्ती मस्ती यहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है, जबरदस्ती से कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो पॉलन ग्रेन की बात करेंगे या इसी को कह देते हैं क्या, इसी को बोल देते हैं माइक्रोस्पोर या इसी को बोल देते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। तो कई नाम है लेकिन काम इनका एक ही है, तो नाम पे मत जाइएगा, इनके काम पे जाइएगा। तो अगर हम लोग शुरू करें पॉलन ग्रेन के बारे में तो एक बात हम पॉलन ग्रेन की माँ के बारे में कहना चाहेंगे, मतलब पॉलन मदर सेल के बारे में कहना चाहेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कह रहे थे, पीएमसी कह रहे थे, या उसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था? माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा जा रहा था। तो मैंने एक बात बताई थी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है ये लास्ट सेल होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, तो पॉलन मदर सेल इज द लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। बात कर ले स्पोरोफिटिक जनरेशन की, मतलब उसकी पोलाइडी कैसी रही होगी, उसकी पोलाइडी होगी 2n। कैसी होगी? 2n, क्योंकि स्पोरोफाइट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 2n, क्योंकि अभी हम लोगों को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ना है तो व्हाट इज स्पोरोफाइट व्हाट इज गैमेटोफाइट पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली जो नॉर्मल प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट होता है, लेकिन जब वो गैमेट बनाता है तो वो गैमेट क्या कहलाते हैं, वो गैमेट्स कहलाते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, तो याद रहेगा ना कि जो पीएमसी है ये लास्ट सेल है किसकी, स्पोरोफिटिक जनरेशन की। अब इसी पॉलन मदर सेल ने क्या करा था, टेट्राड बनाया था, और टेट्राड में क्या मौजूद थे, पॉलन ग्रेन मौजूद थे, और पॉलन ग्रेन बनाने के लिए इस पॉलन मदर सेल में क्या हुआ था, इस पॉलन मदर सेल में हुआ था मियोसिस। तो समझ गए होंगे कि अगली जनरेशन के जो बच्चे यहां पर बन रहे मियोसिस के बाद उनकी पोलाइडी कैसी थी, उनकी पोलाइडी हाफ हो गई थी, मतलब एन। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है, अब जो पॉलन ग्रेन बना इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेट्स के बारे में हम लोगों ने बताया था, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, तो गैमेटोफिटिक जनरेशन कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। तो सारे पॉलन ग्रेन कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। बात करनी थी पॉलन ग्रेन के बारे में तो कह देते हैं स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पॉलिनोलॉजी। क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन क्या कहलाता है? पॉलिनोलॉजी। याद रखिएगा भैया पॉलिनोलॉजी क्या होता है और स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन को, इसीलिए मैंने यहां पर बताया। बहुत सारी किताबों में पूछ लिया जाता है, बहुत सारे सवाल में उठा के पूछ लिया जाता है कि भैया स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन क्या कहलाता है। तो शुरुआत तो हो गई है पॉलन ग्रेन के बारे में, अब जरा देखते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन का वो कैसा होता है, वो प्रिकॉशियस टाइप होता है। कैसा होता है? प्रिकॉशियस। किसका डेवलपमेंट? पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस जो बात कहते हैं वो किसके लिए कहते हैं, कि जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है वो एंथर के अंदर हो रहा है, तो दैट इज इट्स डेवलपमेंट अकर्स विद इन द एंथर। कहां होता है? एंथर के अंदर, और कहां पर होता है? माइक्रोस्पोर एंजियम के अंदर। तो भैया बात समझ में आई, जिसको नोट करना है तो वो साथ में नोट भी कर सकता है। आगे वाली बात पे आ जाते हैं, कहते हैं कि जनरली जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, और इनकी जो डायामीटर होती है कैसी, डायामीटर जो होती है ये 25 से 50 माइक्रोमीटर की होती है, याद रहेगा ना। तो अभी हमने बोला कि इनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अगर आप देखना चाहते हो कि इनका कलर भी कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैसे दिखते हैं, तो जरा इसको देखें।
तो देखो कितने प्यारे प्यारे पॉलिन, ये पॉलिन दिख रहा कितना प्यारा सा है, लगता है कि दुनिया सिर्फ ऐसी ही है, लेकिन ये पॉलिन कितना प्यारा सा लग रहा है, दुनिया भूल जाओगे नेचर में जब आप घूमोगे। ठीक है, अगला पॉलिन आपको दिखाते, ये देखो पॉलिन कितना बढ़िया है। ठीक है, कितना बढ़िया सा पॉलिन आपके सामने मैंने पेश करा, और ये देख रहे पॉलिन जो नीचे की तरफ है, सब एकदम एंटीक लग रहा है कि मां जेम्स है। ठीक है, इट इज नॉट अ पॉलन ग्रेन। ठीक है, लग रहा कोई जेम्स है, पॉलन ग्रेन नहीं है। ये देखो कितना बढ़िया पॉलन ग्रेन है, सारे के सारे एकदम एंटीक पीस है, लग रहा है कि मार पॉलन ग्रेन है ही नहीं, कोई नई चीज इनको बना के रखा है मैंने। ठीक है, कोई प्यारे प्यारे पॉलन ग्रेन। ठीक है, सो देखा ना कितने अच्छे अच्छे पॉलन ग्रेन मौजूद है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, देख लिया ना, चलो वापस आते हैं। तो देख लिया ना कि पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं। ठीक है, बना बना के दिखाया है आप लोगों को। ठीक है, अब अगर बात करें थोड़ी सी और पॉलन ग्रेन के बारे में, तो अभी जो नया नया पॉलन ग्रेन बना होगा, ठीक है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होगा। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पॉलन ग्रेन को डिफाइन करने को कहे, तो आप सिंपली कह सकते हो कि ये पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट है। क्या है? पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट तो मैं बता चुका था, लेकिन ये कैसे हैं? पार्शियली डेवलप, अभी ये फुल्ली डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, अब तो पॉलन ग्रेन की यहां तक तो बात चली आई, स्ट्रक्चर भी दिखा दिए मैंने कुछ। ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो जो भी देखे सब बाहर से देखे हैं। ठीक है, अब इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बात तो हो गई कि ये पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट होता है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लेयर्स पाई जाती हैं, तो उन लेयर्स की जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उन लेयर्स की जब बात करेंगे, तो कहते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है, इसके ऊपर जो बाहर की तरफ लेयर होती है वो कहलाती है क्या? एक्साइन। और एक्साइन जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, और अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एंटाइन, और वो थोड़ी सी पतली होती है। तो जरा देखिएगा कि कैसा दिखता है पॉलन ग्रेन सेक्शन काटने पर। ठीक है, तो देखो ये स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का, मैंने सेक्शन सिंपली बनाया है। हमने बोला कि बाहर की लेयर को क्या कहते हैं? बाहर की लेयर को कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन, जो कि थोड़ी थिक होती है। अंदर की लेयर को क्या कहते हैं? अंदर की लेयर को कहते हैं क्या? इंटाइन। ठीक है, थोड़ी सी पतली होती है। और ये रहा न्यूक्लियस। क्या है? ये है इसका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा होगा? न्यूक्लियस होगा हैप्लोइड, क्योंकि ये क्या है? गैमेटोफाइट है। ये क्या है? एक मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एक्साइन है और एंटाइन है, ये किन किन चीजों की बनी होती है। तो वो भी सिंपल सी बात हम आपके सामने लिख देते हैं कि एक्साइन जो होती है, ये बनी होती है स्पोरो पॉलेनिन की। टैपेटम की बात पे वापस चले जाइए, टैपेटम की बात में इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। और एंटाइन जो होती है, ये बनी होती है किसकी? पेक्टोसेल्यूलोस की। काहे की बनी होती है? पेक्टोसेल्यूलोस की। याद रखिएगा कि एक्साइन काहे की होती है? स्पोरोपॉलिन की। और एंटाइन काहे की बनी होती है? पेक्टोसेल्यूलोस की। देखो पेक्टोसेल्यूलोस को अगर हम देखें, तो इसमें दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? एक होता है पेक्टिन, और दूसरा होता है सेल्यूलोस। क्या होता है? सेल्यूलोस। लेकिन बात आ जाती है फिर स्पोरोपॉलिन की, कि स्पोरोपॉलिन कहां से आया। ठीक है, क्योंकि अभी इसके बारे में भी कुछ बातें करनी है, तो बता देते हैं कि जो स्पोरोपॉलिन का फॉर्मेशन होता है, तो लिख दे यहां पर कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपॉलिन अकर्स बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरेटिनॉइड पिगमेंट। ठीक है, कुछ लोग पढ़ाते पढ़ाते ये कह देते हैं कि जो स्पोरोपॉलिन जिस केमिकल का बना है, उसकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई है।
तो सरासर वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। तो बात मैंने आपके सामने रख दी है कि स्पोरोपॉलिन कैसे बना है, तो इसकी बात यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि एक्साइन और एंटाइन दो बातें थी, लेकिन ये एक्साइन और एंटाइन नाम किसने दिया, जरा उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो एफ आर आई एस, ठीक है, फ्रिश नाम है, ठीक है, फ्रिश, एफ आर आई टी एस सी एच। तो फ्रिश एक ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने इस एक्साइन और इस एंटाइन को नाम दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर तो चल ही रहा है, ये हमारा भैया पॉलन ग्रेन है, ठीक है, हमारा नहीं, हमारा सबका पॉलन ग्रेन है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन पे एक्साइन कहीं कहीं पर बहुत ही पतली होती है, या कह देते हैं कि कहीं कहीं पर एब्सेंट होती है, तो उन जगहों को कुछ नाम दे दिया जाता है। उन जगहों को कोई नाम दे देंगे तो भैया नाम क्या दिया जाएगा, कि जिन जगहों पर से एक्साइन पतली है उसको बोल देते हैं जर्म पोर। क्या बोल देते हैं? जर्म पोर, या इसी को बोल देते हैं कोल पेट। क्या बोला मैंने? कोल पेट, नॉट कोलगेट, ठीक है। तो कोल पेट याद रखिएगा कि जर्म पोर है और कोल पेट है। लेकिन फिर मोनोकॉट और डाइकॉट में फिर से डिबेट शुरू हो जाती है। तो कह देते हैं कि जो मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है, जो मोनोकॉट्स होते हैं इसमें एक ही कोल पेट पाया जाता है, तो कंडीशन क्या कहलाती है? मोनोकोल पेट। और जो भैया डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स में तीन कोल पेट पाए जाते हैं, कितने होते हैं? तीन। तो कंडीशन क्या हो जाती है? ट्राइकोल पेट। तो याद रखिएगा कि मोनोकॉट में कितने होते हैं और डाइकॉट में कितने होते हैं, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन हम लोग बना रहे हैं यहां पर, तो इसका क्या करा जाएगा? इसका करा जाएगा पॉलिनेशन, ठीक है। और पता होगा कि व्हाट इज पॉलिनेशन, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और बता दें कि जो पॉलिनेशन है ये एक कैरेक्टर है सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। तो लिख देते हैं यहां बात कि जो पॉलिनेशन है इस कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो याद रहेगी ना बात कि पॉलिनेशन कहां कहां देखने को मिलता है? पॉलिनेशन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, स्पोरोपॉलिन की एक बात थी जो मुझे कहनी थी, कि स्पोरोपॉलिन जो बना है वो कैसे बना है। मैंने बताया कि पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरेटिनाइड पिगमेंट से क्या होता है, ये स्पोरोपॉलिन बन जाता है। लेकिन स्पोरोपॉलिन जो बनता है ये बहुत ही ज्यादा रेजिस्टिव स्ट्रक्चर होता है, मतलब मैक्सिमम चीजों से ये अनअफेक्टेड होता है, इसके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं होता। इवन वो हाई टेम्परेचर हो जाए, ठीक है, कोई स्ट्रांग एसिड हो जाए, कोई स्ट्रांग बेस हो जाए, यहां तक कि कोई भी एंजाइम क्यों ना आ जाए, वो इस एक्साइन को डिग्रेड नहीं कर पाता, इस एक्साइन को नष्ट नहीं कर पाता। यही वजह है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एक फॉसिल की तरह वेल प्रिजर्व्ड रहते हैं, याद रहेगी ना बात। तो किसका कारनामा था? वो सारा का सारा कारनामा है स्पोरोपॉलिन का, इसको प्रिजर्व बनाए रखने के लिए, ठीक है। अब अगर पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन के पास न्यूक्लियस कैसा था? हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, ठीक है। और इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इस कंडीशन में पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्पोरेंजियम के अंदर ही होता है। स्पोरेंजियम क्या था? बता चुके थे कि स्पोर की थैली थी जो कि एंथर के अंदर मौजूद थी। तो इस स्टेज में क्या होता है? पॉलन ग्रेन स्पोरेंजियम के अंदर होता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है पॉलन ग्रेन का, वो डिवाइड करता है, और डिवाइड जो करेगा वो जनरली जो डिवीजन होगा वो होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस, ना कि मियोसिस। तो इसको जरा हम रफ कर रहे हैं, ठीक है, तो जरा थोड़ी आगे की बातें करने के लिए इसको जल्दी से रफ कर देते हैं, ठीक। ये जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, इसमें फर्स्ट माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस। जब माइटोसिस होगा तो यही पॉलन ग्रेन जो है इसका न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। अब हम बार बार पूरा नहीं बनाएंगे, एक बार आपके लिए मैंने पूरा बना दिया था, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। एक न्यूक्लियस थोड़ा सा छोटा रहता है और एक न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। इसमें से जो छोटा वाला होता है इसको बोलते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस, और जो बड़ा वाला होता है इसको कहते हैं
वेजिटेटिव न्यूक्लियस. तो दो न्यूक्लियस बन गया, एक नाम क्या दे दिया मैंने, एक को बोला जनरेटिव न्यूक्लियस और एक को बोला वेजिटेटिव न्यूक्लियस. तो ये जो स्टेज होती है पॉलन ग्रेन की, ये कहलाती है टू न्यूक्लिएट स्टेज. क्या कहलाती है? टू न्यूक्लिएट स्टेज, या इसी को कहते हैं पार्शियली डेवलप्ड स्टेज. क्या कहते हैं? पार्शियली डेवलप्ड स्टेज. और जनरली जो पॉलन ग्रेन स्पोरेंजियम से बाहर आते हैं वो इसी टू सेल्ड स्टेज में आते हैं. बता देते हैं कि जनरली जो पॉलन ग्रेन स्पोरेंजियम से जब स्पोरेंजियम एंथर रप्चर करता है, फटता है, ठीक है, तो इसी टू न्यूक्लियेट स्टेज में ये पॉलन ग्रेन स्पोरेंजियम से बाहर आते हैं. लेकिन बात अभी भी नहीं रुकती यहां पर. अब क्या होगा कि ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसमें फिर से माइटोसिस हो जाती है. देखो मियोसिस की मैं कहीं भी बात नहीं कर रहा हूं. मियोसिस जहां पर होना था, एक मियोसिस होना था, वो एक मियोसिस हो गया था, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बन गई थी. अब कौन सा चल रहा है? अब माइटोसिस चल रहा है. तो इस जनरेटिव न्यूक्लियस की पोलाइडी भी एन होगी और इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस की पोलाइडी भी कितनी होगी? एन होगी. तो अब यहां पर माइटोसिस होगा. जब माइटोसिस होगा तो एक और स्टेप देख लो, तो सेकेंड माइटोसिस हो जाएगा. तो सेकेंड माइटोसिस होगा तो जरा देखो एक और स्ट्रक्चर बनेगा सामने. स्ट्रक्चर जब सामने बनेगा तो जरा देखो कि अब क्या क्या बदलाव आ जाएंगे. हमने बोला ना कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस अब डिवाइड नहीं करेगा. जैसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस पड़ा था वैसे ही पड़ा रहेगा. ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, लेकिन जो ये जनरेटिव न्यूक्लियस था ये डिवाइड हो जाएगा. ये डिवाइड हो गया, क्या बनाएगा? ये बनाएगा दो मेल गैमीट्स. और मेल गैमीट्स को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं. क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं. तो भैया दो स्पर्म ये बनके तैयार हो गए. और दोनों की पोलाइडी कैसी होगी? इसकी भी एन होगी, इसकी भी एन होगी और इसकी भी एन होगी. तो ये जो स्टेज होती है ये कहलाती है थ्री न्यूक्लियेट स्टेज. क्या कहलाती है? थ्री न्यूक्लियेट स्टेज, या इसी को कहते हैं फुल्ली डेवलप्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन. तो पॉलन ग्रेन की जो स्टेज डेवलप हुई है वो अब हुई है, ठीक है. तो पहली स्टेज ये थी जब ये स्पोरेंजियम में था. सेकंड स्टेज जब होती है तो होता ये है कि ये न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस में. ये कहलाती है टू सेल्ड स्टेज, जैसे वो होते हैं पार्शियल डेवलप्ड स्टेज. देन फर्दर एक और माइटोसिस होता है. क्या होता है कि ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस था ये दो मेल गैमीट में बदल जाता है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जैसा था वो वैसा ही बना रहता है, ठीक है. तो ये कहलाएगी थ्री न्यूक्लियेट स्टेज, ठीक है. और मैंने बोला था कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि टू न्यूक्लियेट में ही देखने को मिलता है, टू न्यूक्लियेट में ही देखने को मिलता है. लेकिन कभी कभी होता यह है कि ये थ्री सेल स्टेज में भी हमको देखने को मिलता है कि जब पॉलन ग्रेन थ्री सेल स्टेज का हो जाता है तब स्पोरेंजियम से बाहर आता है. तो उसका एग्जाम्पल था कि जनरली जो अनाज अनाज होता है, सीरियल्स होते हैं, मिलेट्स होते हैं, इन्हीं में देखने को मिलता है, ठीक है. सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, ठीक है. तो एग्जाम्पल मैंने रख दिया है कि कहां कहां पर हमको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है. अब अगर हम बात करें कि जो मेल गैमीट होते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म के, ये नॉन मोटाइल होते हैं और साथ साथ में अमीबॉइड होते हैं. तो ये जो स्पर्म बना है, ये जो स्पर्म बना है ये कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है. कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है और साथ साथ में अमीबॉइड होता है. तो नॉन मोटाइल अमीबॉइड है तो अपने आप जनरली ये मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है. चलो इतनी तो बात हो गई यहां पर ये पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट की, ठीक है. अब एक छोटा सा सवाल तुम लोगों को जल्दी से दे देते हैं, ठीक है, ताकि होमवर्क के तौर पे आप लोग जल्दी से सवाल भी करके लाया करो. रफ कर रहे हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना भैया जल्दी से ले लो, अदरवाइज नोट्स में बातें तो आपके लिए मैं रख ही दूंगा, ठीक है. आपका होमवर्क आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर डाउनलोड कर लें, आपकी पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है. कह रहे हैं कि सवाल है भैया, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है. इसका जवाब जिसको भी पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है. कह रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स द नंबर ऑफ मियोसिस डिवीजन विल बी रिक्वायर्ड.
ये आपके लिए सवाल था कि 64 मेल गैमेट्स को बनाने के लिए कितने मियोसिस चाहिए होंगे, ठीक है? तो सवाल भैया करके रखना, ठीक है? और जिसको भी जवाब इसका पता हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए, ठीक है? ताकि पता तो चले भैया कौन कितना पानी में है, पढ़ाया जा चुका है। अब देखते हैं कुछ और बातें हैं जो इसके बारे में हम लोगों को करनी है, ठीक है? कि एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो होता है, ठीक है, एक अभी जो हमने थ्री न्यूक्लियर स्टेज जो बनाई, इसको बनाने में क्या क्या चाहिए था? इसको बनाने के लिए एक मियोसिस लगा था, कितना लगा था? एक मियोसिस लगा था और दो माइटोसिस लगे थे। तो वन मियोसिस एंड टू माइटोसिस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। मतलब एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट को बनाने में एक मियोसिस और दो माइटोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। मियोसिस वहीं पर हुआ था और अभी जो हुआ था वो क्या हुआ था? वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस। सो अब बात करेंगे हम लोग इन पॉलन ग्रेन के लाइफ स्पैन के बारे में। किसके बारे में भैया? लाइफ स्पैन के बारे में, या इन्हीं को कहते हैं वायबिलिटी। क्या कहते हैं? वायबिलिटी, की कितना पॉलन ग्रेन कितने समय तक जिंदा रहता है। तो पहली बात तो बात कर लें कि इनकी जो वायबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है? किस पे डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कैसा है और ह्यूमिडिटी कैसी है, नमी कैसी है, ठीक है? तो ये तो बात ठीक है, डिपेंड किस पे करती है, लेकिन होती कितनी है जरा ये भी देख लेते हैं। तो ये वेरी करती है, एक जैसी नहीं होती है, ये 30 मिनट से लेकर एक महीने तक भी हो सकती है, ठीक है? एक महीने तक भी हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि 30 मिनट किसकी होती है, तो 30 मिनट होती है वीट की और राइस की, ठीक है? एक सवाल और खींच के आपके मुंह पे मार रहे हैं कि भैया वीट और राइस का बोटैनिकल नेम और साथ साथ में फैमिली, जिसको भी पता हो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है? और मंथ की बात कर लें कि किसमें मंथ होती है, ठीक है? तो कुछ मेंबर्स हैं रोजेसी फैमिली के, कुछ मेंबर्स हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली के, और कुछ मेंबर्स हैं सोलेनेसी फैमिली के। तो इतनी जगहों पर मंथ तक भी वेरी कर सकती है, ठीक है? अब देखो ये लाइफ स्पैन इनका वेरिएशन आप देख रहे हो कितना कितना होता है, लेकिन सपोज दैट कि हमको किसी ऐसी जगह पर किसी के पॉलन ग्रेन लेके जाने हो जहां का सफर एक घंटे से ज्यादा हो, और हमसे उसने कहता कि वीट या राइस के पॉलन ग्रेन लियो, तो जिंदगी तो 30 मिनट के ले जाने में तो क्या होंगे, मर जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी एक इलाज है, कैसे करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन सभी ने सुना होगा, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है भैया? लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? और क्या करते हैं इसमें, बहुत सारी क्या, सभी चीजों को जनरली प्रिजर्व करके रख सकते हैं, आपको भी प्रिजर्व करके इसमें रखा जा सकता है, ठीक है? तो इतना टेम्परेचर होने के साथ साथ अगर हम इन वीट और राइस के पॉलिन को इसमें प्रिजर्व करके रख लें, तो प्रिजर्व करके रखने पर इनकी जिंदगी और बढ़ जाती, हो सकता है 30 महीने हो जाए, एक साल, दो साल, तीन साल, कई सालों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। और इस ठंडे में किसी चीज को प्रिजर्व करना कहलाता है क्या? वो कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो मतलब ही होता है ठंड, ठीक है? ठंड में प्रिजर्व करना क्या कहलाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है? तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन की बात हो गई भैया, लाइफ स्पैन की बात हो गई। और यही जो जनरली हम प्रिजर्व करके रखेंगे, इनको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल करा जा सकता है, ठीक है? ब्रीडिंग कराने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये उनकी वायबिलिटी की बात हो गई, ठीक है? अब बात करेंगे हम लोग कि पॉलन ग्रेन, कुछ इंसानों में देखा होगा कि कहते हैं मुझे पॉलन से एलर्जी है, सुना होगा? तो कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, कुछ लोगों में पॉलन एलर्जी भी क्रिएट कर देते हैं। पॉलन एलर्जी से क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस में स्वेलिंग आ जाती है, उसको ब्रोंकाइटिस बोल देते हैं। अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो कुछ प्लांट के पॉलन ग्रेन कुछ लोगों में पॉलन एलर्जी भी क्रिएट करते हैं। तो पॉलन एलर्जी क्रिएट करने के लिए एक प्लांट है जनरली, ठीक है, वो आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो सब जगह देखने को मिल जाएगा, उसका नाम है पार्थीनियम। क्या नाम है? पार्थीनियम, या इसी को कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। कांग्रेस ग्रास का मतलब ये नहीं कि वो राहुल गांधी के घर में लगी हुई है, ठीक है? कांग्रेस ग्रास बोला जाता है इसको, या
इसी को कैरेट ग्रास भी कहा जाता है। कई नाम है इसके, ठीक है, जिस नाम से आप पुकारो उस नाम से चली आएगी और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लगी भी रहती है। ठीक है, देख लो, ठीक है, इमेज में देख सकते हो कि सर्च करके भैया पार्थिनम या कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास किसको कहते हैं, देख लो भैया जिसको भी देखना हो। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, उससे एलर्जी कॉज होने की। लेकिन ऐसा होता है कि जो फॉरेन कंजम्पशन होते हैं उन लोगों का ये कहना है कि पॉलन ग्रेन बहुत ही न्यूट्रिटिव होते हैं, तो पॉलन ग्रेन बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया कि वहां पर उसके टैबलेट्स या उसके सिरप्स अवेलेबल होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी कहते हैं, इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या खाइए, पॉलन ग्रेन खाइए। ठीक है, और इन लोगों ने इस बात का क्लेम भी करा है कि जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, और रेस वाले घोड़े जो होते हैं उनको हम लोग यही सब खिलाते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें बढ़ोतरी या उनमें इंक्रीमेंट देखने को मिला, तो उनका कहना कुछ ऐसा है। लेकिन इतना ज्यादा यहाँ पर खाना भी है ना, इतने अच्छा अच्छा खाना है जो आप खा सकते हो, लेकिन अब इंस्टेंट एनर्जी की बात है तो वहाँ के लोग रेडबुल को ना पीकर, ठीक है, यही पॉलन ग्रेन के टैबलेट्स या सिरप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जनरली हमने बोला था कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर दो लेयर पाई जाती है, इंटाइन पाई जाती है और एक्साइन पाई जाती है, लेकिन एक एंजियोस्पर्म है और वो है मरीन एंजियोस्पर्म। कैसा है, मरीन एंजियोस्पर्म है, समुद्र में पाए जाने वाला एंजियोस्पर्म है, उसका नाम है जोस्टेरा। क्या नाम है, जोस्टेरा। इसका पॉलन ग्रेन लंबा होता है, फिलामेंटस होता है, नीडल लाइक होता है और विदाउट एक्साइन होता है। कैसा होता है, विदाउट एक्साइन, इसके ऊपर एक्साइन नहीं पाई जाती। और जोस्टेरा का ही पॉलन ग्रेन दुनिया का सबसे लंबा पॉलन ग्रेन होता है भैया। अगर आपसे कोई पूछ ले लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है तो उसके मुंह पे जवाब खींच के मारिएगा, भैया जोस्टेरा का होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है तो वो भी जवाब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो, उसका नाम है मिराबिलिस जलापा। प्लांट का नाम है या इसी को फोर ओ क्लॉक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फोर ओ क्लॉक, चार बज गए। और एक प्लांट है जिसमें सबसे छोटा पॉलन ग्रेन पाया जाता है, उसको कहते हैं स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन। स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन जिसमें पाया जाता है वो प्लांट कुछ ऐसा है कि कहता है साहब मुझे ना भूलना, प्लांट का नाम है, वो कहता है क्या, मुझे ना भूलना, तो प्लांट का नाम है फॉरगेट मी नॉट। क्या नाम है, फॉरगेट मी नॉट। और फॉरगेट मी नॉट किसका नाम है, मायोसोटिस। किसका नाम है, मायोसोटिस का नाम है। ठीक है, अब बात आई फॉरगेट मी नॉट, तो मायोसोटिस बोलोगे, नाम पूछ लिया जाए कि टच मी नॉट तो जवाब क्या दोगे, इसको भी जवाब पता हो कमेंट सेक्शन में देना। अब अगर आप टच मी नॉट तक आते हो तो एक प्लांट और आ जाता है, वो कहता है किस मी नॉट, किस ना करना, इसको इसका जवाब पता है, वो भी क्वेश्चन के साथ आंसर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। और किस मी नॉट की जब बात आती है तो कोई ऐसा भी प्लांट है वो कहता है किस मी क्विक, कितना अच्छा प्लांट है ना, तो इसका जवाब भी जिसको पता है क्वेश्चन के साथ आंसर जरूर मेंशन करना। सो बच्चे लोग, आज हम लोगों ने बात करी है पॉलन ग्रेन के बारे में, साथ साथ में उसके डेवलपमेंट के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपसे बात करेंगे पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के बारे में और टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन के बारे में। और जिसने भी अभी तक हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मतलब विटामिन बी बी मतलब बायोलॉजी, जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर 11th और 12th नीट के जितने भी चैप्टर्स चल रहे हैं वो सब स्टेप वाइज चल रहे हैं, ठीक है, सीरियल वाइज चल रहे हैं, चैप्टर वाइज चल रहे हैं, ठीक है। सो जल्दी से कर लोगे ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे। भैया लॉकडाउन का समय है, ठीक है, कोचिंगें नहीं खुली हैं, इसीलिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो बच्चे हम लोग मिलते हैं हम लोग जल्दी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, उसको रिवाइज करते रहे।